आजसू छात्र संघ ने धनबाद के लॉ कॉलेज में एक दिवसीय धरना दिया। लॉ कॉलेज परिसर में नेतृत्व धरना का छीरा मतों ने किया। लॉ कॉलेज धनबाद में बताया कि ऐसे शिक्षक हैं जो यूसी के तहत शैक्षणिक योग्यता हेतु न्यूनतम मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान प्रभारी प्राचार्य पर भी कई तरह के आरोप लगाए। कहा कि इसमें कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो मनमाने ढंग से संपादित हो रहे हैं। विभिन्न संकायों में सदस्यों के फेरबदल किए जा रहे हैं। कॉलेज के पुस्तकालय में किताबों की खरीद बिक्री में भारी वित्तीय अनियमितता की गई है। मनमाने तौर पर अपने चुनिंदा गेस्ट शिक्षकों के अवैध रूप से वेतन वृद्धि की गई है और भी कई तरह के कार्य ऐसे किए गए हैं जो नहीं होने चाहिए। लगातार छात्रों के साथ यहाँ पे दोहन शोषण तो हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे जो प्राचार्य हैं शिक्षक हैं और इनके खिलाफ में पहले भी कई बार शिकायत हुई है। जो ये लोग एलिजिबल हैं, जो ये लोग अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं, फिर भी ये लोग को प्रोफेसर बना दिया गया है, इन लोग को प्राचार्य बना दिया गया है। अगर जाँच हो तो यहाँ कॉलेज में आधा का आधा प्राचार्य और शिक्षक खाली हो जाएगा। लगातार ये लोग वेतन में वृद्धि हो रहा है, सरकार के पैसा खा रहा है ये लोग सारा लोग, और यहाँ पे राजनीतिक अड्डा बनाकर रखा दिया रख दिया गया है। आपकी मांग क्या है? मांग है कि जांच हो ये लोगों पर, ये लोगों को अविलंब हटाया जाए, क्योंकि ये लोग खुद नहीं जानते तो छात्रों को क्या भविष्य बनाएंगे। जो खुद अपना LLM नहीं है, PhD नहीं है, वैसे वैसे लोग प्राचार्य और आपका क्या बोलते शिक्षक बना दिया गया है, तो ये लोग क्या बच्चों के साथ भविष्य कर रहा है? भविष्य यहाँ खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य क्या बनाएंगे ये लोग? ये लोग तो भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों का। इसलिए हम लोग मांग करते हैं धरना के माध्यम से, आज हम लोग यहाँ धरना दिए हैं। हम लोग को जरूरत पड़ेगा, हम लोग विश्वविद्यालय में भी परसों धरना देंगे, उसके बाद राज्यपाल से भी मिलेंगे और इसका आवाज हम लोग माननीय विधायक लंबोदर महतो जी को हम लोग सौंपेंगे और विधानसभा में भी इस बात को उठवाएंगे, झारखंड विधानसभा में, कि लॉ कॉलेज के साथ जो कि विधि का कॉलेज है, विधि बनाता है लॉ, और बताइए वैसे के साथ वैसे छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या शिक्षा कैसे शिक्षक देंगे जो अनपढ़ खुद है और लगातार बाप के बदले यहाँ नौकरी दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म का ये कॉलेज नहीं, नेपोटिज्म यहाँ चल रहा है।